वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज बहुत जल्दी निकलना पड़ रहा है यार, रात भर नींद नहीं आई क्योंकि होटल चेंज हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, और हम लोग न्यू होटल में शिफ्ट हुए हैं तो इसलिए जल्दी नींद भी नहीं आ पाई। फर्स्ट नाइट थी यहाँ पर तो इस वजह से वो आज बहुत जल्दी सुबह उठा दिया, नींद भी पूरी नहीं हुई और जल्दी से जल्दी हम लोग उठा दिया। तो अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि अब यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ वहाँ उधर, तो इसमें नींद वींद कुछ पूरी नहीं हो पा रही है। अब चलिए अब आ गए तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको ये होटल भी कैसा क्या है। ये है ये अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है और जल्दी से जल्दी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं क्योंकि बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, इसलिए बाकी आपको आगे पूरा दिखाते हैं सारा यहाँ जो भी है। ठीक, ये वहाँ से ब्रेकफास्ट लेकर आप यहाँ आकर बैठकर यहाँ अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच डिनर सब यहीं होता है और डिनर तो फिलहाल इस होटल में है ही नहीं क्योंकि ये 7 बजे तक शायद बंद हो जाता है, क्योंकि नाइट में जब आया था तो बंद हो गया था। ये हम लोगों ने ले लिया है ब्रेड ऑमलेट, ये थोड़ा ऑमलेट अलग से लिया है, ये चिकन हो गया, हल्के से राइस लिए हैं बस क्योंकि भूख ज़्यादा लगी है, रात भी खाना नहीं खा पाए थे तो जल्दी ही थोड़ा कामों में बिजी हो गए थे इधर घूमने घामने में, तो इस चक्कर में देखने उखने गए थे शुरू के लिए तो लेट आए, तो यहाँ सब बंद हो चुका था आसपास की मार्केट भी। बाकी अभी बाहर को देख के आप समझ गए होंगे कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिटी है तो इस वजह से सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। चलिए ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं क्योंकि यहाँ से निकलना भी है ना, फिर हम लोगों को आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं आपको आगे का कुछ। तू ये मैम हमें लेने आई हैं आज, इनका नाम तू है, ये अपनी गाड़ी है, इससे हम लोग जाएंगे। थैंक यू। अरे भाई बेहतरीन यार, कमाल लग रही है यार, ये मस्त यार। इसकी सीट तो वहां से भी अच्छी है, फुकेट में जो बहन थी। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसकी सीट्स वहां से भी अच्छी है। थैंक यू। मैम बोल रही हैं कि मैम को ऑलरेडी होटल स्टाफ ने बताया था कि जिसको आप रिसीव करने आई हैं ये यूट्यूबर है। अच्छा लगा ना सुनकर? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई। गाड़ी का इंटीरियर बहुत गजब है यार, सीट्स मस्त हैं एकदम, बिल्कुल यार। चलिए भाई आपको दिखाते हैं कराबी। फुकेट भी आपको दिखा दिया और अब आपको कराबी दिखाते हैं। काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आए थे और जो जानने वाले हैं उनके कॉल वगैरह आए थे, बात हो रही थी उन लोगों से, जनरली बात होती रहती है, तो उन्होंने कुछ बात बोली थी कि मतलब कुछ बताओ यहाँ के बारे में, ये है वो है आना जाना और रुके थे लोगों के बारे में और क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो। तो भाई मैं इस वीडियो में एक बात बता रहा हूँ छोटी सी, ये पानी भरा दिखाई दिया, मैं एक बात बता रहा हूँ छोटी सी, मैं अभी ये पूरी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद ना फिर आराम से बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे अलग, क्योंकि इसमें अब आप लोगों को मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, एंजॉय करा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ ये वो, तो इसमें अगर मैं ये सब बातें बताने लगूँगा ये वो तो आपका आप ये देखोगे या मेरी बात सुनोगे या फिर
दोनों में से यही काम हो पाएगा ना, इसलिए आराम से अपनी एक वीडियो अलग बनाएंगे जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, और कोई आना चाहेगा तो मैं उसको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अरे कितनी इत्तेफाक के बाद मुझे कल ये लगी है एक, कि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैं बार बार पहाड़ों को ही कवर कर रहा था, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा ना, मैं सिर्फ पहाड़ों को ही कवर कर रहा था, मुझे शुरू से ही पहाड़ पसंद है। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम चला मैं उन्हीं पहाड़ों के बीच में रह रहा हूँ, मतलब मुझे रहना है, मुझे ये चीज़ कन्फर्म नहीं थी ऐसे। तो यहाँ पहुँच कर देखा कि यार मुझे तो यहाँ रहना है, भैया ने भी लाइट ओपन की है अपनी गाड़ी की, क्या मस्त लग रही है ना यार, पूरी रेड लाइट और ग्रीन लाइट जल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, क्या मस्त है यार। मैं आपको जाकर दिखाता हूँ बैक साइड से, क्या मस्त लग रहा है ना पूरा यार, तो शाम में देखने लायक होगा ना, बेहतरीन। ये भी लाइट ओपन कर दिए, और आज हम लोग जल्दी बहुत ज़्यादा निकल गए, 9:18। मस्त रिजल्ट किया है, इसमें भी लाइट लगी है, ये चीज़ मुझे नहीं पता, इसमें भी लाइट्स है। भैया बोल रहे हैं आप शूट कर ही रहे हो तो ढंग से शूट करो यार, मेरी बहन को हाँ पूरा सब दिखा रहे हैं, बढ़िया है यार। चलो हमारे तो काम ही है, सीट्स क्या मस्त हैं, बाकी भैया ने यहाँ पूरा इंतजाम कर रखा है, बैठ के पियो खाओ एंजॉय करो अपना, ये वो एकदम बेहतरीन यार, सही है। यूट्यूबर Next time I'll try. Yeah. You promote the hotel. Yeah. You promote activities, the service to Island. The people. Yes. Yeah. You promote Thailand. And then they just offer you the service. भाई एक चीज़ यहाँ मैम ने बताई है, बहुत अच्छी लगी, अपने इंडिया में भी काफ़ी जगह पर है मैंने सुना है ऐसा, मैं गया तो नहीं हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर आइलैंड है और कुछ होटल्स भी हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको होटल से पिक कर कर आपको आइलैंड दिखाएंगी, अपनी बोट्स दिखाएंगी, अपने क्रूज दिखाएंगी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हुआ, ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वहाँ फ्री हैं यूट्यूबर के लिए, क्योंकि यहाँ यूट्यूबर आकर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें प्रमोट कर रहा है, उनकी वीडियो देख कर आदमी यहाँ आता है। तो मैम ने बोला है कि अब तक ये बात आपको पता नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं पता है, तो वो कहती है कि आज शाम को जाकर एक बार पता करना, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए फ्री मिल सकती है। और पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया से ही पता करके आना पड़ेगा, कि उनको मेल भेजना पड़ेगा पहले कि मैं इस तरह की यूट्यूबर हूँ, अपना चैनल का लिंक भेजना पड़ेगा, वो आपका चैनल का लिंक देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो अपनी बुकिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आकर यहाँ पर उनका प्रमोशन कर सकते हैं, आपके लिए सारी एक्टिविटीज सारा सब कुछ फ्री है। बाकी मैम भी अभी बोल रही है कि मैं देखती हूँ कुछ, अगर कुछ एक्टिविटीज आपके लिए हो पाती है, जैसे आइलैंड के लिए तो काफ़ी कंपनियां हैं जो देती हैं फ्री, 2 घंटा देती है आइलैंड पर। चलिए मैम को देखते हैं कि मैम बात करिए बताएंगे अभी, और बाकी हम भी आज शाम को जाकर देखते हैं। सेकंड हैंड यस, ये भाई सेकंड हैंड गाड़ियां खड़ी हैं फॉर सेल, जिसमें सडान कम है और एक्सयूवी ज्यादा है,
ट्रक ज़्यादा है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। I'm coming. I'm back. यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सब लोग अपना मस्ती कर रहे हैं। ये नेचुरली हॉट वाटर आ रहा है क्या यार? चल चेक करते हैं एक बार हल्का सा। गर्म पानी है यार। वाटर डिग्री तो ये है भाई। ओके नेचुरल आ रहा है गर्म पानी अंदर से ही। अरे बहुत अजीब बात है यार कि मतलब इतना समझ नहीं आ रहा है यार बिल्कुल। मतलब सुना तो काफ़ी जगहों पर है ये वो इस तरह, मगर सामने अपने पहली बार ही देख रहा हूँ यार ये चीज़ कि मतलब
गर्म पानी आ रहा है। पूल में तो चलो ठीक है, काफ़ी जगहों पर देखा है ये वो, मगर यहाँ भाई पहली बार इस तरह देख रहा हूँ अपने सामने। चलो नई जगहों पर आने का ये एक बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ शूट कर सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं। ये भी यूट्यूबर हैं, ये अपना शूट कर रही हैं यूट्यूब के लिए, माइक वाइक सब देकर आई हैं अपने साथ में। चलिए चलते हैं यहाँ से, मस्त एकदम रखा है यार, तुम भेज रही हूँ। बाकी भी और भी पुल्स हैं, अभी जाकर आपको दिखाते हैं। लोग भी अब निकल रहे हैं अपना, अंदर जाते हैं और देखते हैं यार कैसा है। बहुत जल्दी हो रही है, मैम को बोला है कि शूट करने के लिए प्लीज़ शूट कर दीजिए। अच्छा तो भाई ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है। अब कहीं भी कोई कचरा उचरा करने के लिए नहीं है, जो भी आपको पीना पाना अपना है आप फेंको, ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी है। यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी है वो यही।
यहाँ भी आपका मसाज है। नो 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 नो, मैम ने हमारा बैग ले लिया है। मैम बोलिए आप चलो अपने वीडियो की बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी है मैम यार, अब जो अपने लिए कुछ करता है वो सब अच्छे ही होते हैं। ओके ओके, देखो अब ये चीज यहाँ जो पत्ते गिरे हैं ना, यहाँ जो पत्ते गिरे हैं ये उसकी सफाई चल रही है। तभी मैं कहूँगा इतनी सफाई कैसे यहाँ पर। चलो भैया अब यहाँ चलते हैं, इसका सीन देखते हैं क्या है। ये ठंडा है गर्म है, बाकी चाचा अकेले ही मजे ले रहे हैं पूरे यहाँ के। हॉट, वेरी हॉट, इट्स मोर हॉट देन ओवर देयर। यस सेम। आए थे हम लोग और वहां तो पानी चल रहा है ना, इसलिए गर्म नहीं है, वो चल रहा है ना इसलिए। भाई ये बहुत ज्यादा गर्म है यार, मैं तो मेरे बस की नहीं है, मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और मैं बोल रही हूँ ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये एक मसाज है। और यहाँ पर आप शैम्पू ऑयल कोई और क्रीम लगाकर या पैड्स या कुछ और लगाकर आप अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको फाइन पे करना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर चले जाते हो वैसे। तो भैया यहाँ से हम निकलते हैं, पहले चेंज करते हैं और उसके बाद फिर कुछ आगे क्या देखते हैं सीन। मैं बोल रही हूँ अभी ये तो हॉट हो गया, अब चलते हैं ठंडे पानी में। भाई अपना कपड़े वपड़े पहन लिए और यहाँ से निकल रहे हैं। ये है मेन चेंज रूम एम, और वो रहा वो मेन चेंजिंग रूम इधर। मैडम कहाँ गई? अच्छा वो आए। चलिए यहाँ से निकलते हैं, गाले पर जाते हैं वापस। और ये देखिए पत्ते की सफाई हो रही है रोड से। से हम जा रहे हैं दूसरे पुल, वो इससे 15 मिनट का रास्ता है। मैम बोल रही है 10 मिनट, ड्राइवर ने बताया नहीं 15 मिनट का रास्ता है। और मैम के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ फ्री हैं क्योंकि ये गाइड है, यहाँ पर बंदों को लेकर आती हैं, तो इसलिए इनके लिए सब अलाउड है। इनकी तरह क्योंकि इन लोगों की ड्रेस वगैरह होती है तो इनको सभी पहचान लेते हैं। फिर ये लोकल के भी हैं तो लोकल्स के लिए अलाउड नहीं है, मगर गाइड्स के लिए अलाउड है। बिल्कुल होना जरूरी है।